Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Kriyashari, and now I will going to explain you people regarding the sweat glands and sebaceous glands. So first we will discuss about the sweat glands. Sweat glands क्या होते हैं कि sweat glands are situated in the skin. Skin के अंदर जो है ना situated होते हैं और जो dermis जो layer होती है skin की उसके अंदर present होते हैं. And these are of two types, ये दो तरह के होते हैं sweat glands. One is eccrine glands and number two is apocrine glands. तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द एक्रेन ग्लैंड्स, ठीक है ना. तो इसमें क्या पता है कि एक्रेन ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्सेप्ट फॉर द मार्जिन्स ऑफ द लिप्स, नेल बेड्स, ग्लैंड्स पेनिस, ग्लैंड्स क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा एंड द ईयरडर्म्स, कि इन जगहों को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना ये प्रेजेंट रहते हैं. दे आर मोस्ट न्यूमरस ऑन द पाम्स, सबसे ज़्यादा जो है ना पाम्स पे, हाथों के जो है ना हथेली पे रहेंगे, एंड सोल्स, ठीक है ना, पैर के तलों, पैरों के तलों पे रहेंगे, देन ऑन द हेड, बजाय के हेड पे, बट मच लेस ऑन द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज, लेकिन सबसे कम जो रहेंगे वो ट्रंक के ऊपर, कमर पे, और जो है ना एक्सट्रीमिटीज हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी है ना उस पर बहुत कम मात्रा में रहते हैं ये. द ग्लैंड्स ऑन पाम्स एंड सोल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट सीक्रेट एट द टाइम ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस, जिस समय भी कोई इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल ऐसी कंडीशन होती है एट दैट टाइम जो है ना इनका सीक्रेशन जो है ना शुरू होता है. एक्रेन स्वेट ग्लैंड्स ओपन्स आउट थ्रू द स्वेट पोर, ये स्वेट पोर के थ्रू जो है ना ओपन होते हैं. दे सीक्रेट्स डायल्यूट स्वेट, ठीक है ना, इससे जो सीक्रेशन जो होता है वो डायल्यूट फॉर्म में होता है एंड कंटेन्स और वेरी क्लियर होता है. एंड कंटेन्स वॉट इट कंटेन्स, कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और कुछ फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी. अब एक्रेन ग्लैंड्स आर अंडर नर्वस कंट्रोल, ये जो ना नर्वस कंट्रोल से चलते हैं, एंड आर सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स विद सिक्रीट्स एसिटाइल कोलिन, जिससे कि एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होता है, और स्टिमुलेशन ऑफ दीज नर्व्स, और इन्हीं नर्व्स का स्टिमुलेशन जो है ना कॉजेज द सिक्रीशन ऑफ स्वेट, और इन्हीं जो नर्व्स का स्टिमुलेशन जो है ना वो स्वेट ग्लैंड्स को जो है ना स्टिमुलेट करता है और स्वेटिंग को जो है ना स्टार्ट करता है, ठीक है ना. तो ये थे एक्रेन ग्लैंड्स. अब नंबर टू है एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना. एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या बताया है, दीज ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ओनली इन द सर्टेन एरियाज, बॉडी के कुछ हिस्सों में होते हैं, जैसे इसमें बता रखे हैं एक्जिला में, प्यूबिस, एरियोला एंड द एम्बिलिकस, एम्बिलिकस रीजन के अंदर, नाभि प्रदेश के अंदर जो है ना इनकी लोकेशन होती है. एंड दीज ग्लैंड्स आर लार्जर स्वेट ग्लैंड्स, ये बड़े साइज में होते हैं, साइज इनका बड़ा लार्जर होते हैं, एंड डिराइव्ड फ्रॉम द हेयर फोलिकल्स, हेयर फोलिकल्स में से निकलते हैं ये. द सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन द डर्मिस, इनका सेक्रेटरी पोर्शन जो होता है ना वो स्किन की डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, और एक्सक्रीटरी जो पोर्शन होता है, एक्सक्रीटरी डक्ट जो होती है ना वो हेयर फोलिकल में से निकलती है ये, ठीक है ना. एंड एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन्स इनटू द हेयर फोलिकल, जो एक्सक्रीटरी डक्ट होगी वो हेयर फोलिकल में से निकलती है, और जो सिक्रीटरी पोर्शन होता है, ठीक है ना, वो डर्मिस लेयर में से निकलता है वो. अभी काम कैसे करते हैं जैसे एपोक्राइन ग्लैंड्स, इनके सिक्रीटरी एक्टिविटी कैसे होती है एपोक्राइन ग्लैंड्स की, इसमें क्या बताया है कि दीज स्वेट ग्लैंड्स आर नॉन फंक्शनल टिल प्यूबर्टी, ठीक है ना, अप टू द प्यूबर्टी लेवल जो है ना ये ग्लैंड्स अपना काम नहीं करते हैं, ठीक है ना. दे विल रिमेन नॉन फंक्शनल एंड स्टार्ट फंक्शनिंग ओनली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम के ऊपर जो है ना ये जो हॉर्मोन्स का जो है ग्लैंड्स का जो है ना सिक्रेशन शुरू हो जाता है. इन ओल्ड एज द फंक्शंस ऑफ दिस ग्लैंड ग्रेजुअली डिक्लाइंस, ठीक है ना, ओल्ड एज के अंदर इन ग्लैंड्स का जो है फंक्शन जो होता है ना यूजली ना बराबर होता है, डिक्लाइन हो जाता, घट जाता है. द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज थिक एंड मिल्की, यानी कि जो एपोक्राइन ग्लैंड्स में से जो भी सिक्रेशन जो होता है ना उसी कंसिस्टेंसी की थिक होती है और मिल्की होता है, नेचर के अंदर मिल्की होता है. एट द टाइम ऑफ सिक्रेशन इट इज ऑर्डरलेस, जिसमें सिक्रेट होगा उसमें ऑर्डरलेस होता है, यानी कि गंध रहित होता है, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है, बट बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ सम बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उस लोकेशन के ऊपर जो पाए जाते हैं रहेंगे, उसकी वजह से जो है इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो है इसके अंदर बन जाती है, ठीक है ना. तो क्या बताया है कि वेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन द सिक्रेशन एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर डेवलप्स इन द रीजन वेयर एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो है ना कुछ बैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज की वजह से जो है ना वहाँ पे एक पर्टिकुलर सी जो है ना ऑर्डर एक गंध जो है ना
वहाँ पे बन जाती है एंड सिक्रीशन इंक्रीजेज ओनली इन द इमोशनल कंडीशन, और इसका सिक्रीशन भी जो है ना इमोशनल कंडीशन के अंदर ही होता है। तो एक्राइन ग्लैंड में क्या बताया था कि वो होता वाटरी होता है, वेरी क्लियर होता है, और एपोक्राइन ग्लैंड में क्या बताया है इसकी कंसिस्टेंसी जो है इसकी थिक होती है और मिल्की नेचर होता है। अब नेक्स्ट है सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा है स्वेट ग्लैंड के बारे में कि स्वेट ग्लैंड के जो है ना ये कहाँ पे सिचुएशन होती है, दो तरह की होती है, एक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है सीबेसियस ग्लैंड, कि सीबेसियस ग्लैंड क्या होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड वो होते हैं जिसके थ्रू जो सीबम निकलता है। सीबेसियस ग्लैंड आर सिंपल और ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड सिचुएटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, ये भी जो है ना स्किन की जो डर्मिस जो लेयर है उसके अंदर जो है इनकी लोकेशन होती है, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो उसमें क्या रिगार्डिंग क्या बताया है कि दीज ग्लैंड आर ओवॉइड और स्फेरिकल इन शेप, ठीक है ना, ये ओवॉइड होते हैं और स्फेरिकल इन शेप होते हैं एंड आर सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द हेयर फोलिकल, हेयर फोलिकल के बिल्कुल साइड में जो है इनकी सिचुएशन होती है, यानी कि लोकेशन होती है इनकी, ठीक है ना, सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द हेयर फोलिकल। दीज ग्लैंड डेवलप फ्रॉम द हेयर फोलिकल्स, इनकी डेवलपमेंट जो है ना वो हेयर फोलिकल से होती है। सो द सीबेसियस ग्लैंड्स आर एब्सेंट ओवर द थिक स्किन, जहाँ पे थिक स्किन होगी इसलिए वहाँ पे एब्सेंस रहते हैं सीबेसियस ग्लैंड, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ना हेयर्स नहीं होंगे तो वहाँ पे हेयर फोलिकल भी नहीं होंगी, इसलिए वहाँ पे ऐसी जगह के ऊपर जो है ना ऐसी स्किन के ऊपर जो है ना ये सीबेसियस ग्लैंड्स नहीं होते हैं। सो द सीबेसियस ग्लैंड्स आर एब्सेंट ओवर द थिक स्किन विच इज डिवाइड ऑफ द हेयर फोलिकल्स, क्योंकि वहाँ पे उसमें जो है ना हेयर फोलिकल्स नहीं होते। नेक्स्ट सीबेसियस ग्लैंड्स ओपन इन टू द नेक ऑफ द हेयर फोलिकल, इनकी जो है ओपनिंग कहाँ पे होती है, हेयर फोलिकल की जो है ना नेक के पास होती है, ठीक है ना, थ्रू ए डक्ट, डक्ट के थ्रू जो है ना इनकी ओपनिंग होती है। इन सम एरियाज कुछ हिस्सों में लाइक फेस लिप्स निपल ग्लैंड पेनिस एंड लेबिया माइनोरा द सीबेसियस ग्लैंड्स ओपन डायरेक्टली इन टू द एक्सटीरियर, ये डायरेक्ट वहाँ पे जो है ना एक्सटीरियर के अंदर जो है ना ये ओपन होते हैं विदाउट एनी डक्ट, ठीक है ना, इसके लिए कोई डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो सीबेसियस ग्लैंड सिक्रेट्स एन ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड सीबम, जो इसमें से सिक्रीशन जो होता है ग्लैंड का वो एक ऑयली सब्सटेंस होता है जिसको सीबम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सीबम में इसके अंदर जो क्या कुछ कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या बताया, इट कंटेन फ्री फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, वैक्स, पैराफीन एंड स्टीरोल्स, ये इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं सीबम के अंदर। नाउ द फंक्शंस ऑफ द सीबम, कि इसके सीबम के फंक्शंस क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या है, इसमें बताया कि फ्री फैटी एसिड्स जो है, इसे कंटेंट जो है फ्री फैटी एसिड कंटेंट ऑफ सीबम हैज एन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि जो फ्री फैटी एसिड्स जो कंटेंट होता है सीबम का उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से दैट्स वाई इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन, ये कोई भी स्किन का जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन को जो है ना प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लिपिड नेचर ऑफ सीबम, क्योंकि सीबम का जो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए क्या बताया कि लिपिड नेचर ऑफ सीबम कीप द स्किन स्मूथ एंड ऑयली, ठीक है ना, स्किन को जो है ना स्मूथ रखता है एंड ऑयली रखता है, यानी कि ग्रीसीनेस ऑफ द स्किन जो है ना उसकी मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ द लिपिड नेचर ऑफ द सीबम। नेक्स्ट क्या है, लिपिड्स ऑफ द सीबम प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, कि बॉडी में से हीट लॉस को जो है ना ये प्रिवेंट करते हैं, कि एक्सेसिव हीट लॉस को जो है ना प्रिवेंट करते हैं, नहीं होने देते। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन द कोल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं या फिर ठंडा एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है ना वहाँ पे इनका जो है ना रोल बना रहता है। तो क्या बताएं, लिपिड्स ऑफ द सीबम प्रिवेंट्स द हीट लॉस ऑफ द बॉडी, की बॉडी की एक्सेसिव हीट लॉस जो है ना उसको रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। अब क्या है कि सीबेसियस ग्लैंड्स आर इनएक्टिव टिल प्यूबर्टी, ये भी जो ना प्यूबर्टी तक जो है ना इनएक्टिव होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय दीज ग्लैंड्स आर एक्टिवेटेड बाय द सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स की वजह से जो है ना ये हॉर्मोन्स, ये ग्लैंड जो होते हैं ना ये एक्टिवेट हो जाते हैं इन बोथ मेल एज वेल एज इन फीमेल्स। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे पर्टिकुलरली इन मेल्स ड्यू टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स की जो है ना एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से द सीबेसियस ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड सडनली, अचानक से जो है ना ये सीबेसियस ग्लैंड जो है ना ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एक्ने ओवर द फेस, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर फेस के ऊपर जो है ना एक्ने की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द ग्लैंड्स, ठीक है ना, स्किन की जो ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, किसके दो ग्लैंड्स, दो तरह ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, स्वेट ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, उसमें क्या बताया है कि एपोक्राइन टाइप के होते हैं और एक्राइन होते हैं, ठीक है ना,
उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड के बारे में बताया कि इसके अंदर क्या कुछ कंटेंट्स होते हैं और इसके फंक्शन के रिगार्डिंग हमने देखा है, ठीक है ना। सो इन सेंटर चैप्टर स्वेट ग्लैंड एज वेल एज इन सीबेसियस ग्लैंड। थैंक यू।